एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का और अभी ना सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 8:30 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं अभी घर का कितना ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब पूरा घर इस टाइम पे तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ रहता है और किचन वगैरह मेरा बहुत ज़्यादा गंदा है। कपड़े भी बहुत सारे रखे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, तो सारे कपड़े अभी ऐसे ही रखे हैं। इनको सभी को घड़ी करना है मुझे। और बाकी घर का हाल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो नाश्ता मेरा बन चुका था, चाय वगैरह हो चुकी थी सबकी। इसके बाद का ये टाइम है जब घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और अब मुझे इसको साफ़ करना है। तो पहले तो मैं बर्तन वगैरह सेट कर दूंगी, जो रात वाले बर्तन थे। और सेट कहाँ करूंगी, वैसे भी मेरा बर्तन वाला स्टैंड जो है ना वो चला गया है नए वाले घर में। और अभी ना मैं ऐसे ही जुगाड़ करके अपना काम चला रही हूँ। तो दो टब हैं छोटे छोटे मेरे पास, जिस पे मैंने एक एक में मैंने गिलास और कटोरियाँ रखी हुई हैं, चम्मच वगैरह, और एक में कप्स वगैरह रख दिए हैं। तो इसी तरीके से मेरा काम अभी चल रहा है। फ़िलहाल अभी ये कुछ ही दिन की बात है। और जितना थाली वगैरह थी, थाली और प्लेट्स वगैरह, उनको मैंने अलग रख दिया है। तो इस तरीके से अभी मैंने सारे बर्तनों को सेट कर दिया है और ये जो बर्तन रखने वाली जाली है ना वो खाली हो गई है। तो अब मैं नाश्ते वाले बर्तन इसमें साफ़ करके और फिर रखूँगी। और अभी ना किचन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था, जैसे तैसे ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं जल्दी से। और आजकल किचन को डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही पानी से ही मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे काम इतना ज़्यादा है ना कि ऐसा लगता है कि बस काम मेरा निकल जाए। बहुत ज़्यादा डीप क्लीन के चक्कर में मैं नहीं रह रही हूँ, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए अब सबसे पहले ना अपना किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद मुझे अभी बहुत सारी पैकिंग करनी है कपड़ों की और भी बाकी सारे घर के सामान जो हैं छोटे बड़े, तो उनकी मुझे पैकिंग करनी है। इसीलिए मैं उधर में ज़्यादा टाइम लग जाएगा पैकिंग करने में। तो मैं अभी किचन का जितना भी काम है वो सारा ख़त्म कर लेती हूँ, इसके बाद फिर उधर वाले काम में लगूँगी। और अकेले ही मुझे घर का सारा काम अभी करना पड़ रहा है, तो फटाफट से अभी किचन का जितना भी काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया है। और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ ये सारे कपड़े समेटने के लिए। तो ये जितने भी कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, ये कल जो मैं वॉश की थी ना वही वाले कपड़े हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हस्बैंड के कपड़े हैं, बाकी बच्चों के भी हैं और मेरे भी हैं, मतलब बहुत सारे सभी के कपड़े हैं। तो ये मेरे पास एक बड़ा वाला बैग रखा हुआ था, इसी में मैं ये सारे कपड़ों को रखूँगी खड़ी करके। और इन सारे कपड़ों में प्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ना जाने के बाद फिर जैसे जैसे वो पहनेंगे तो उस हिसाब से फिर एक एक कपड़ों में प्रेस हो जाएगा। अभी क्योंकि प्रेस करने के लिए अगर बैठूंगी ना तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने प्रेस नहीं किया है। ऐसे ही सारे कपड़े घड़ी करके और फिर मैं इसी बैग में अरेंज कर दे रही हूँ। और इस वाले बैग में ना बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, तो जितना अभी सबके पहनने में यूज़ में आते हैं जो कपड़े, वो सारे कपड़े मैंने इसी में डाल दिए हैं, क्योंकि इतना सारा सामान है और जब हम जाएंगे उस वाले घर पे तो फिर बच्चे और सभी लोग अपना कपड़ा ढूंढने लग जाएंगे और समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। इसीलिए मैंने ये सारे कपड़े पहनने वाले बैग में डाल दिए हैं ताकि सबको आसानी से मिल जाए और मुझे भी याद रहे, क्योंकि उस टाइम पे ना फिर भूल जाता है कौन सी चीज़ हम कहाँ रखे हैं। तो बस ये सारे पहनने वाले कपड़े मैंने डाल दिए हैं बैग में और उसको पैक करके मैंने रख दिया है साइड में। कपड़ों का काम हो चुका है अभी फ़िलहाल जितना पैक करना था, इसके बाद फिर आ जाती हूँ बेडरूम में। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अभी मुझे सामान पैक करना है, तो बेड के अंदर से तो सारी चीज़ें हम लोग लेके गए हैं, जितने कपड़े वगैरह रखे हुए होते हैं ठंडी के और एक्स्ट्रा वाले कपड़े होते हैं। लेकिन इसके सिरहाने की तरफ जो स्टोरेज दिया गया है ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सामान भरा हुआ है और ये ना ध्यान से ही उतर गया था, मतलब इसको हम लोग खोले ही नहीं थे, ये ऐसे ही बंद पड़ा था। और अभी मैंने देखा इसको खोल करके तो बहुत ज़्यादा इसमें सामान है। सामान में वही जैसे पुराने बेडशीट वगैरह होती हैं, कुछ बैग्स वगैरह हैं और कुछ पुराने एल्बम वगैरह, ऐसे ही कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो वही मैं यहाँ से सारा सामान निकाल करके अभी बेड पे रख दूँगी, ताकि जो जैसे सामान है उस हिसाब से फिर हम उसको पैक करेंगे। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कपड़े भी हैं, बच्चों के बैग हैं, कुछ
गिफ्ट आइटम भी है जो कभी मिलते हैं बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो इस टाइप की चीज़ें इसमें रखी हुई थी। तो अभी मैं सभी को निकाल करके बेड पे रख दूँगी और फिर इसमें से छांट छांट करके जो जैसे हैं उस हिसाब से अलग अलग रखूँगी। तो मम्मी भी आ गई हैं मेरी हेल्प करने के लिए, और बस यहाँ पे वो बेडशीट वगैरह जितनी भी थी ना वो सभी को घड़ी करके और साइड में रख देंगी। तो जितनी भी बेडशीट है ना उसको अलग से थैले में रखेंगे, और जो और बाकी का सामान है उसको अलग से रखेंगे, और कुछ रेन कोट और कुछ अम्ब्रेलास वगैरह हैं इसमें, तो इन सभी को अलग अलग करके अरेंज करना है। तो सबको मैं अलग अलग करके रख रही हूँ क्योंकि बाद में जब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना तो मुझे फिर याद रहे और एक ही जगह ये चीज़ें मिल जाएं। जैसे रेन कोट है और उसके साथ में मैंने अम्ब्रेला रख दिया है ताकि बारिश के टाइम पे फिर ये दोनों चीज़ें साथ में ही मिल जाएं। तो इस तरीके से करके मैं सामानों को रख रही हूँ, और इतना ज़्यादा परेशानी होती है ना शिफ्टिंग में, सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब देखने में तो लगता है कि घर में सामान ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें निकलती हैं ना तो ऐसा लगता है कहाँ से आ गया इतना सारा सामान, पता नहीं कहाँ से आ गया। और बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे सामान में तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी लगता है ना इनको अलग अलग रखना और अलग अलग तरीके से अरेंज करना, फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन फिर भी अब इतना सामान है तो इसको रखना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैंने सबको अलग अलग थैले में छोटे बड़े जो जैसे सामान थे उसको वैसे ही मैंने रख दिया है, और ये सारे बोरी वगैरह में जिस जो जैसे मिल रहा है ना उस हिसाब से मैं रखती जा रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा बैग तो है नहीं, किसी के घर में भी इतना ज़्यादा बैग नहीं रहता, मेरे पास खुद ही नहीं है। बस जैसे बोरी वगैरह होती है ना उसी सब में मैं भरती जा रही हूँ, और सारा सामान बरामदे में मैं शिफ्ट करती जा रही हूँ क्योंकि फिर ले जाने में दिक्कत नहीं होती है, सारा सामान इकट्ठे रखा रहता है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बेड का भी जितना सामान था वो हमने निकाल लिया है, और अब बारी आती है ये ड्रेसिंग टेबल का सामान निकालने की। तो ये यहाँ पे मेरा सामान रखा है सारा, चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं बहुत सारी, और इसमें जितना भी सामान है वो सब टूटने फूटने टाइप का है, तो इसको भी मैं निकाल करके देख लेती हूँ। और ये सामान मुझे बहुत अच्छे से लेकर के जाना होगा, वरना अगर टूट गया तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अभी तो देखने में लग रहा है कि बहुत कम यहाँ पे सामान है, लेकिन जैसे ही मैंने निकाल करके रखा बेड के ऊपर तो सारा सामान बहुत ज़्यादा दिख रहा था, और मुझे ना इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था कि मैं कैसे रखूँ कि ये टूटे फूटे भी नहीं। और इसमें चूड़ियाँ वगैरह थी, और कुछ सामान तो ऐसे थे जो मैं ऐसे ही रखी थी और काफ़ी टाइम से यूज़ में भी नहीं आ रहा था। तो अच्छा हुआ कि आज मैं ये सारा सामान निकाल ली, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने अलग कर दी हैं। काफ़ी सारा सामान इसमें ख़राब था जो यूज़ में नहीं आ रहा था, तो वही सारा सामान निकाल करके पहले मैंने रख लिया था बेड के ऊपर, और इसके बाद फिर मैंने सारी बैंगल्स छांट करके रख ली थी। कुछ बैंगल्स ऐसी थी जिनका कलर वगैरह निकल जाता है जिसे मैं पहन करके रख देती हूँ, तो वो सारी मैंने अलग कर दी थी। और भी बहुत सारे निकली थे ऐसे जो बिल्कुल भी पहनने के लायक नहीं थी, बस मैं उनको ऐसे ही रखी थी तो रखी ही रह गई थी, तो वो सब मैंने अलग कर दिया है। और कुछ क्रीम वगैरह होती है ना जिस जो एक्सपायर हो जाती है वो सब भी मैंने निकाल दिया है। तो हड़बड़ी में अगर ये काम किया जाए ना तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके का काम आराम से करते हैं ना थोड़ा सा टाइम लेकर के, तो काफ़ी आराम से सारे काम हो जाते हैं। पैकिंग का जो होता है, बहुत सारे सामान हैं तो समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ें हम कैसे रखें, तो आराम से जब आप ये काम करेंगे ना तो इस टाइप से फिर काफ़ी सारा जो ख़राब सामान है वो निकल जाता है, तो अच्छा है, सफाई भी हो जाएगी, और जितनी हमारी ज़रूरत का सामान है वही बस हम लेकर के जाएंगे, कूड़ा कचरा नहीं लेकर के जाएंगे। तो बैठ करके पहले मैं यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह छांट ली थी, और काफ़ी मतलब सामान निकला था बहुत ज़्यादा मात्रा में, ख़राब वाला सामान निकला था, उसको मैंने अलग कर दिया है। और चूड़ियों का डब्बा आप देख सकते हैं, मेरे पास बैंगल बॉक्स भी है तो उसमें भी पूरा जो है चूड़ियाँ फुल हो गई हैं, और इधर साइड में जितने भी बैंगल्स रखे हुए ना ये सब अभी मैं जैसे साड़ियाँ वगैरह पहनती हूँ ना तो वही सब है, बस जब मैं साड़ी पहनती हूँ तभी ये सारी बैंगल्स पहनती हूँ, वापस से फिर मैं इसी में रख देती हूँ।
तो बहुत सारी बैंगल्स हैं जो कि एक थैले में अलग से मैंने भर के रखी है, और वो थैला एकदम से फुल हो गया था बैंगल्स का। उसको मैंने अलग से रख दिया है, उसको मैं बहुत संभाल करके ले जाऊंगी। और बाकी जो हमारे ड्रावर में रखा हुआ था, जो मेरा डेली यूज़ का था मेकअप का सामान, उसमें भी कुछ कुछ निकाल दिया है मैंने, कुछ कुछ रखा हुआ है। बस यही सब काट छांट करके मैंने सारा सामान पैक किया। और आज का जो काम था ना, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब वाला था। मतलब मेहनत वाला काम तो नहीं था, लेकिन दिमाग इतना ज़्यादा इसमें लगाना पड़ रहा था ना। छोटे छोटे सामान में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जब भी हम छोटे छोटे सामान को पैक करते हैं ना, क्योंकि हर टाइप की चीज़ें होती हैं, तो सबको देखना होता है कि ये क्या है, कैसे है, इसको कैसे रखना है, कौन सा फेंकना है, कौन सा रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना सारा यहाँ पे कूड़ा निकल गया है। मतलब अभी तो यहाँ पे इतना रखा हुआ है, इसके अलावा भी और निकला था जो कि मैं डस्टबिन में डाल करके आई हूँ। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कितना सारा सामान मैंने पैक कर लिया है। तो फालतू वाला सामान फेंक दिया है, और जितना ज़रूरत का था ले जाने वाला, यहाँ पे सारा सामान पैक करके और रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अभी ऊपर भी कपड़े रखे हैं जो कि मैं फिर पैक करूँगी। ये अभी बच्चे भी पहनते हैं इनको, इसलिए अभी नहीं हटाया है। और यहाँ पे अभी थोड़े बहुत और भी हैं। मतलब एक बार में तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा ना, एक बार में ये सारा सामान पैक हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फ़िलहाल अभी जितना ज़रूरत था उतना ही सामान हमने पैक कर लिया है। और फिर इधर मैंने लंच भी चढ़ा दिया था, दाल वगैरह चढ़ा दी थी तो पक रही थी, और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। सुबह मैं झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे पता था अभी ये सारा सामान मैं हटाऊंगी तो घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो झाड़ू मैंने नहीं लगाया था। और अभी ये पैकिंग का सारा काम हो चुका है, तो अब जो है फटाफट से झाड़ू और पोछा मैं लगा लूँगी। और जब मैं ये सारे काम कर रही थी तो इधर मैंने मशीन भी लगा दी थी। कुछ कपड़े कल के बच गए थे जो कि मैं कल वॉश नहीं की थी, तो आज मैंने इधर साइड मशीन लगा दी थी, तो ये सारे कपड़े वॉश हो चुके थे और इनको मैंने इधर बाथरूम में रख दिया है। और अभी इनको मुझे साफ़ करना है, और साफ़ सफाई वाला काम अभी है, वॉशरूम भी क्लीन करना है मुझे। तो अभी काम काफ़ी ज़्यादा है और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था ये सारा सामान पैक करने में। तो बस अब ये मशीन से कपड़े निकाल करके और मैं इसको धुल देती हूँ और फिर इसको साइड में कर दूँगी। बाकी जो भी काम है थोड़ा बहुत होता रहेगा। और कपड़े जब तक मैं वॉश करूँगी तब तक मैं इधर टॉयलेट में हार्पिक डाल देती हूँ। हार्पिक मैं थोड़ी देर डाल करके और छोड़ देती हूँ, लगभग 5 मिनट के लिए। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा जलन सी होने लगती है ना, वो नहीं होती है। तो अभी मैं यहाँ पे हार्पिक डाल देती हूँ और जब तक मैं ये सारे कपड़े वॉश करूँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, कल ही मैंने सारे धुल लिए थे, बस जो थोड़े बहुत बच गए थे ना, वो सारे कपड़े आज मैं धुल रही हूँ। अभी ना इस टाइम पे 2 बज गए थे दोपहर के, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे सारा सामान रखने में। कपड़े तो मैंने रख लिए थे जल्दी ही, लेकिन जो ड्रेसिंग टेबल का सामान मेरा निकला था ना, सारा मेकअप का सामान, बैंगल्स वगैरह, उन सारी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और इसीलिए अभी ना 2 बज चुके हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी कि सारा काम मेरा जल्दी हो जाए। और लंच की थोड़ी सी तैयारी ही मैंने की थी, बाकी अभी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो मैं इधर का सारा काम ख़त्म करके और फिर जाऊंगी। तो अभी लंच भी कंप्लीट करना है। तो बस यहाँ पे जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, रेगुलर वाले ही कपड़े हैं। और धूप तो आज चली ही जाएगी, तो आज ये शायद सूख पाएँ, कल ही ये सूखेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और इस टाइम पे काम कुछ ऐसे ही मेरा चल रहा है, कब समय निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो गई, कब शाम से रात हो गई, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी और चावल मैंने फिर रख दिए थे जल्दी से आने के बाद, तो दाल और चावल पक गया है। साथ ही साथ आरुष को ना रोटियाँ भी खानी थी, और उसको रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बिना वो खाना नहीं खाता। तो सभी के लिए मैंने थाली लगा दी है और गर्मा गर्म रोटियां भी मैंने सेक ली हैं। और अभी टाइम जो है वो दोपहर के 3:30 बज गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना,
और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।